सरकारी चिट्ठी पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया कि धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। उसके आड़ में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले, तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवी तत्वों के खिलाफ अगर कार्रवाई की बात हो रही है तो उपद्रवियों को मिर्ची लग रही है। उन्होंने कहा कि अब जनता ही तय करे कि लोकतंत्र को मानते हैं या उपद्रव्य को। पावर्ड बाय मम्मी किचन, इंडियाज़ बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। क्या कहेंगे, जन देखिए जनतांत्रिक पद्धति में काम करने वाले कोई भी नेता या कोई भी सरकार फरमान जारी नहीं करती, जनहित में वो निर्णय लेती है। जहाँ तक बिहार का मामला है, जो अभी के कंटेक्स्ट में कहा गया है कि आंदोलन के माध्यम से या आंदोलन का नाम लेकर के लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज अपनाते हैं उस पर रोक की बात है। किसी को आंदोलन करना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, ये तो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसको कौन रोकेगा। लेकिन उस प्रदर्शन और धरना और आंदोलन के आड़ में जो गुंडई होती है, औरतों के साथ जो बच्चों की होती है, डेड बॉडी जा रहा है उसको नहीं जाने देता है, शादी विवाह में बच्चे लोग आते हैं तो दिन दिन भर रात रात भर लोग रोक लेता है, तोड़ फोड़ करता है, सरकारी संपत्ति को ये करता है, आपस में क्लैश करता है, ये सब सारे जो वारदात होते हैं ये क्रिमिनल वारदात। तो जो आंदोलन के नाम पर क्रिमिनल वारदात करेंगे उनकी एंट्री ली जाएगी, उनका फिरिस्त लिखा जाएगा और वैसे लोगों के साथ इस तरह की कार्रवाई होगी जो बिहार सरकार ने किया है, तो स्वागत योग्य है। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।